वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में देखेंगे ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी में दो पार्ट हो चुका था, सेफ्टी चल रहा था, ठीक है, और शुरू से ही चल रहा है। तो बुक में जो जिस हिसाब से दिया है उस हिसाब से ही हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। सेफ्टी कम्प्लीट होगा उसका फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले क्या है, डीपली जानकारी जरूरी है। तो इस वीडियो में देखेंगे आग के बारे में, फायर के बारे में, ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन सेफ्टी से आता है तो फायर से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही देता है, ठीक है। इसलिए पहले देखते हैं इसमें आग, आग के प्रकार, ठीक है, आग क्या है। सबसे पहले देखते हैं फायर। अगर सबसे पहले बात की जाए फायर, आग की बात की जाए कि आग क्या है, आग क्या है, तो क्या बोलेंगे इसमें, देखेंगे आग क्या है। आग के बारे में बताया है कि आग एक विधि है जिसमें ताप और लाइट उत्पन्न की जाती है। आग फैलने के लिए तीन पदार्थ चाहिए, मतलब आग क्या है, इसमें क्या रहता है, ताप रहता है और लाइट रहता है। आग जब जलता है तो उसमें क्या रहता है, लाइट रहता है। कोई आग जलता है तो वहाँ पे लाइट उत्पन्न होता है और ताप रहता है, ठीक है, आग में। तो ये जो हो गया, ये तो आग का परिभाषा हो गया कि आग क्या है। लेकिन अब ये जानेंगे, ये भी जानना है कि आग को जलने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कितना बार दिया है कि आग में मिले होते हैं, क्या आग में मिले होते हैं ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, ये इसका आंसर है, कितना बार ये आ भी चुका है। तो यहाँ से शुरू से ही जब चलेंगे पूरा डीपली पढ़ते हुए तो ऑब्जेक्टिव जो है अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आग को जलने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, ठीक है। जो ज्वलनशील पदार्थ है वो क्या हुआ, ईंधन के अंतर्गत आ गया, जैसे लकड़ी, कोयला, ये सब क्या ईंधन के अंतर्गत आ गया। ताप चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, यानी मेन रूप से आग में क्या क्या मिले होते हैं, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, ठीक है। तीनों जब मिलता है, ठीक है, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन जब मिलता है तो क्या बनता है, आग, ठीक है। तो ये जाने कि आग जो है ये तीन चीज मिलने पर आग उत्पन्न होता, आग बनता है, ठीक है। अब इसमें जानेंगे कि आग जो होते हैं कितने प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के आग पाए जाते हैं और किस ईंधन, किस पदार्थ से आग लगेगा तो उसको कौन सा आग कहेंगे वो जानेंगे। क्योंकि मेन जो है इसमें क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है कि जो आग का प्रकार है उसमें पूछ देता है कि सपोज टाइप सी, आग में टाइप सी को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, किस एक्सटिंगुइशर का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि आग जो है, आग को चार टाइप में बांटा गया, कितना बुक में, तीन टाइप ही देता है, सी तक ही देता है, ठीक है। लेकिन जो दो तीन और मोटे बुक है उसमें चार टाइप का दिया है, तो जनरली हम लोग जानेंगे कि चार टाइप में पाया जाता है। पहला टाइप ए, कौन सा टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, ये तो हो गया टाइप, ठीक है। अब टाइप ए जो आग है उसको क्या कहते हैं, टाइप ए मतलब कौन सा आग को टाइप ए में रखे वो जानेंगे। तो टाइप ए कार्बोनेशियम फायर, क्या टाइप ए जो फायर होता है उसको क्या कहा जाता है, कार्बोनेशियम फायर भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आग कार्बोनेशियम फायर। अब जो टाइप ए का आग है, जिस आग को टाइप ए में रखा गया वो किससे, मतलब क्या चीज जलने के बाद आग वहाँ होगा जिसको टाइप ए में रखे उसको जाने, ठीक है। किसको बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं, मतलब आग का ये क्या है, नेम है, किसको क्या बोलेंगे, कार्बोनेशियम फायर। तो कार्बोनेशियम फायर कब कहेंगे या टाइप ए फायर कब कहेंगे, जब लकड़ी, पेपर, कपड़ा इत्यादि, लकड़ी, पेपर, कपड़ा, ठीक है, इत्यादि और जो कूड़ा करकट है, इससे जलने से जो आग उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, टाइप ए कहते हैं, ठीक है। अगर मान लिया कहीं आग लग गया तो लकड़ी के कारण, या कोई निवार है, मतलब निवारी है उसके कारण आग लगा, ठीक है, या कोई कूड़ा करकट है वहाँ पे झरा हुआ ज़्यादा था वहाँ पे आग लगा, तो उसको क्या बोलते हैं, टाइप ए बोलते हैं। मतलब टाइप ए में कौन सा आएगा, टाइप ए में आएगा लकड़ी, पेपर, कपड़ा इत्यादि, ये सब जो है ये टाइप ए में आएगा, समझ में आ गया। अगर ये सबसे आग लगता है तो क्या बोलते हैं, टाइप ए बोलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे रोकथाम। रोकथाम मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लकड़ी के कारण, कोई पे लकड़ी है या कोई जंगल है या कोई गोदाम है
कहीं कपड़ा का गोदाम है वहाँ पर जब आग लग जाता है तो उसको रोकथाम मतलब क्या हुआ, आग को बुझाना। आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, यानी टाइप ए, जो टाइप ए है इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, वो जानेंगे, किसका, पानी का। देखते हैं जब आग लगता है कोई गांव और में तो क्या करता है, और कहीं भी तो आग बुझाने के लिए क्या यूज करता है, पानी देता है। लेकिन टाइप ए के अंतर्गत यानी लकड़ी, पेपर, कपड़ा, ये सबसे जब आग लगता है तो बुझाने के लिए पानी का प्रयोग, बालू का भी उपयोग किया जाता है, सोडा एसिड एक्सटिंगुइशर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखते हैं कोई वर्कशॉप में कोई एक बाल्टी में जो है बालू रखा जाता है, कहीं आप वर्कशॉप में देखे होंगे कि बालू रखा था, किस लिए रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है कि जब वहाँ आग लगेगा तो उसमें क्या होगा, बुझाने का काम आएगा, ठीक है। मेन इसमें आपको क्या रखना है, सोडा एक्सटिंगुइशर का, ये जो है ये जो कंफ्यूज करता है, क्या ये टाइप ए को बुझाने के लिए है कि टाइप बी का, टाइप सी, ये जब आता है ऑप्शन में तो ये कंफ्यूज करता है, इसलिए आप क्या रखना है, सोडा एसिड एक्सटिंगुइशर का प्रयोग कब करते हैं, टाइप ए आग को बुझाने के लिए। ये क्या हो गया, टाइप ए कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं टाइप बी में। टाइप बी में क्या है, आयल फायर। टाइप बी कौन से फायर को टाइप बी में रखेंगे या टाइप बी बोलेंगे, आयल फायर मतलब तेलिए, जो तेल के कारण लगता है, कोई तेल है, तेल से जब आग लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, तेलिए फायर बोलते हैं, यानी आयल फायर, उसको क्या बोला जाएगा, आयल फायर बोला जाएगा, ठीक है। वो किससे, किसके कारण से लगता है, कौन सा आती के कारण से तेलिए आयल आएगा, ईंधन उसका क्या, ईंधन के अंदर क्या आएगा, तो तेल आएगा, ठीक है। तेल से अगर आग लगता है तो गैसोलीन से या पेंट से या ग्रीस से, ये सब के कारण अगर आग लगता है तो उसको क्या करेंगे, टाइप बी में रखेंगे। क्या चीज में, टाइप बी में। इसका मतलब ये हुआ कि तेलिए फायर जो है किसके अंतर्गत आता है, टाइप बी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तेल, गैसोलीन, पेंट और ग्रीस। अब क्या है, ये तो इसका ईंधन हो गया, रोकथाम के, रोकथाम के लिए क्या होगा, फोम फायर एक्सटिंगुइशर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जब तेलिए फायर, तेल के कारण जब आग लगेगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसके लिए फोम फायर एक्सटिंगुइशर का प्रयोग करेंगे, उसके प्रयोग से क्या करेंगे, आग को बुझाएंगे, कौन सा, तेलिए, ठीक है। ये क्या हुआ, टाइप टू भी क्लियर हो गया कि बी में कौन आ गया। अब चलना है टाइप थ्री। टाइप थ्री में क्या है, सी। टाइप सी में क्या है, टाइप सी आग, जो टाइप सी है कौन सा आग को टाइप सी में रखेंगे, तो गैस फायर। क्या, गैस फायर यानी जो गैस उसके कारण जहाँ पे आग लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइप सी बोलते हैं, गैस फायर, ठीक है, गैस के कारण आग लगता है। इसमें क्या आ जाएगा, इसको रोकथाम के लिए ड्राई पाउडर, ठीक है, इसको रोकथाम के लिए क्या हो जाएगा, ड्राई पाउडर हो जाएगा। मतलब यानी आग, अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप सी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो पहले आप ये देखेंगे कि टाइप सी जो आग है वो किसके अंतर्गत आता है, तो गैस के अंतर्गत आता है, यानी गैस फायर के अंतर्गत आता है, तो उसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, ड्राई पाउडर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। लास्ट होता चौथा पॉइंट टाइप डी, ठीक है। टाइप डी किसके अंतर्गत आता है, टाइप डी आता है इलेक्ट्रिकल फायर। टाइप डी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फायर बोलते हैं, यानी कोई वर्कशॉप में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगा, या कहीं पे वायर है, वायर में शॉर्ट लग गया, कनेक्शन अच्छा नहीं है, ठीक है, ज्यादा ओवरलोड पड़ा तो तार वहाँ क्या करता है, देखते हैं, जब ज्यादा ओवरलोड पड़ता है तो और वहाँ से क्या होता है, गल जाता है या जलता है, तो वहाँ से या तो शॉर्ट सर्किट लग गया तो वहाँ से क्या होता है, आग लग जाता है। कोई भी कंपनी है, फैक्ट्री सब में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट से भी आग लगता है, ठीक है, तो वो किसके अंदर आता है, टाइप डी के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद यानी वायर जो शॉर्ट सर्किट के अंदर आता है, शॉर्ट सर्किट से लगता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फायर बोलते हैं। इसको बुझाने के लिए CTC का प्रयोग किया जाता है, CTC मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इससे जो क्या होता है, CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करके इलेक्ट्रिकल फायर को क्या किया जा सकता है, बुझाया जा सकता है, ठीक है। तो ये था फायल का प्रकार, ठीक है, ये जो था किसके कारण लगता है, तेलिए में बताया गया कि मतलब आयल का कितना किससे किसके कारण लगता है। तो ये जो यहाँ पे था टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, ठीक है। टाइप ए में कार्बोनेशियम आयल फायर, गैस फायर और डी फायर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, कारण क्या है कि जो भी वीडियो होगा
तो 10 से 15 मिनट का ही बनेगा, ठीक है, शुरू से ही चलेंगे। और जो लोग शुरू से नहीं पढ़े उनके लिए फ़ायदा होगा, और जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए भी क्या होगा, रिवीजन होगा, जब इच्छा जब ये वीडियो देखेंगे। और जैसे ही इसका ये कंप्लीट हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्या करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर समझ में आप लोग को आ रहा है, ठीक है, तो एक लाइक कर दीजिए, इससे ये पता लगे कि मतलब कितना समझ में आ रहा है, ठीक है, कितना समझ में आ रहा है, इससे एक आइडिया मिलेगा कि जिस प्रकार से पढ़ाया जाएगा। क्योंकि ऑफलाइन जो कोचिंग है, ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो उसमें पूछ लेते हैं क्या कि समझ में आया कि नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया, तो बोलता है हमको समझ नहीं आया, लेकिन इसमें कैसे पूछ सकेंगे। तो इसमें तो ये पता लगेगा कि थोड़ा कमेंट से भी पता लग जाएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, और लाइक आएगा तो उससे भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी है लाइक करिए या नहीं करिए, लेकिन आप लोग क्या करिए, पढ़िए, या तो मेरे चैनल के माध्यम से पढ़िए या और कहीं पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ठीक है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर इसका जो पॉइंट होगा वो देखें, ठीक है, थैंक यू।